हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू बुक केमिस्ट्री क्लासेस टुडे वी लर्न यूनिक रिएक्शन इन मेटालिक केमिस्ट्री दैट इज चैप्टर एट ठीक है तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को तो ऐसे आप बनाए रहिए ठीक है थैंक यू सो मच दोस्तों तो लेट्स स्टार्ट दैट इज यूनिक रिएक्शन इन मेटालिक केमिस्ट्री ठीक है हम कुछ यूनिक रिएक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो

ऑन टू ए कोऑर्डिनेटली अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल जो अपना न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है ठीक है या एनैनिक लिगेंट होता है कहाँ पे अटैच होता है अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल विद आर विदाउट अ ट्रांसमेटल ठीक है दिज आर सिंपली एडिशन रिएक्शन एंड इंडिकेट द लेविस एसिड नेचर ऑफ द मेटल सेंटर ठीक है जैसे हमारा ये हो गया पी एफ फाइव हो गया ये हमारा एनैनिक हो गया न्यूट्रल कोई भी हो गया एफ माइनस है कहाँ पे ऐड हुआ ये मेरा इस पे ऐड हुआ है। ये डिपेंड नहीं करता कि ये देखो एन आइनिक है कहाँ पेड यहाँ पे ऐड हुआ तो वही बोल रहा है मतलब इस वहाँ पे मतलब पे, वहां पे होता है टी आई सी एल फोर है पीओ सी एल थ्री है हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ पे देखो ये सा अटच हो गया वेन एडिशन ऑफ लिगेंड क्या बोल रहा है मेटल क्या होगा जब लिगेंड एडिशन होगा तो क्या होगा मेटल को ऑक्सीडेशन होगा और इसी को क्या बोलते हैं इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव एडिशन और इसी को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड इज जनरली रिप्रेजेंटेड है देखो क्या होता है जब भी मेरा कोई कॉम्प्लेक्स है ठीक है उस पर कोई कोई सा भी लिगेंट ऐड हो जाता है कोई कोई भी भी सा ऐड यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे मेरा डीएन था ठीक है मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जीरो था तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा प्लस टू प्लस थ्री प्लस थ्री कुछ भी हो सकता है ठीक है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इंक्रीज हो जाता है हा? वही बोल रहे हैं यहाँ पे अगर डीएन है तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन में दिखा जाता है तो यहाँ पे अगर सपोज डी फाइव होता तो यहाँ पे क्या होगा डी फोर हो जाएगा डी थ्री हो जाएगा कम हो जाता है ठीक है मेटल टू द इनकमिंग लेगेंट क्या होता है हमारा ट्रांसफर होता है किसका इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन किस से मेटल से मेटल से दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा टू द इनकमिंग फॉर्म्स न्यू अनाइनिक लेगेंड हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आल्सो इंक्रीजेस बाय टू यूनिट ठीक है हमारा लेगेंड यहाँ पे क्या होगा ब्रेक होगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा ठीक है इन दिस रिएक्शन गया हमारा है उसका ये बोल चाहिए फर्स्ट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल मतलब मेटल पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए सेकेंड क्या होता है टू वैकेंट कोऑर्डिनेशन साइट ऑन द रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स एल एन एल एन एम ठीक है दैट इज द कॉम्प्लेक्स मस्ट बी कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे मतलब ये है कि वहाँ पे जगह होना चाहिए जैसे आपका मेटल मेटल पे कोई लिगेंट अटैच हो रहा है तो उस मेटल पे तो वैकेंसी होना चाहिए ना भाई साहब कि अठारह होगा अगर एटीन इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे वैकेंसी रहेगी तो उसको खाली करते हैं मतलब वहाँ पे वैकेंसी होगा तभी तो कोई लिगेंट आएगा वही बोल रहे पहला नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो चाहिए मेटल पर दूसरा वैकेंट साइड होना चाहिए उसी को बोलते कोआर्डिनेटली अनसेटेड बोलते हैं ठीक है और थर्ड क्या है अ मेटल विथ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट सेपरेटेड बाई टू यूनिट्स ठीक है The higher oxidation state must be ener energetically, energetically accessible and stable. Hai, why? For example, example oxidative addition from iridium 1 to iridium 3 is common, but an oxidative addition फ्रॉम एफ ई थ्री टू एफ ई फोर एफ ई फाइव देखो एरेडियम वन था हमारा ठीक है प्लस वन था अभी यहाँ पे क्या हो गया एरेडियम प्लस थ्री हो गया मतलब इसका प्लस वन से प्लस थ्री जाना मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ ठीक है अब यहाँ पे देखो ये तो ईजिली हो जाता है बट जब हम लोग एफ ई थ्री से एफ ई फाइव ऐड करते तो नहीं होता ठीक है वाइल पॉसिबल इज अनलाइकली टॉकर ठीक है अभी ऐसा क्यों होता है टेंडेंसी ऑफ द कॉम्पलेक्सेज टू अंडर गो ऑक्सीडेटिव एडिशन इज गॉन कौन करता है इज गॉर्न बाई द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल सेंटर ठीक है मेटल सेंटर पर कितना इलेक्ट्रॉन है वही गॉर्न करेगा ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा कि नहीं होगा दैट इज द इज विथ विच मेटल कैन बी ऑक्सीडाइज जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा खुद भी रहेगा उतना अच्छा ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा सच रिएक्शन आर मोस्ट कॉमन इन द ट्रांसन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेज ठीक है मोस्टली स्क्वायर प्लेनर में विथ द मेटल इन डी एट एंड डी टेन इलेक्ट्रॉनिक कंफ्योगेशन ठीक है कन्फ्यूग्रेशन ये हो गया नोटेबली एफ ई जीरो आर यू जीरो ओ एस जीरो आर एच वन इरेडियम वन पीडी पीडी टू पीटी टू एनआई जीरो क्या होते हैं एंड स्पेशली वेल स्टडी सिस्टम इन द स्क्वायर प्लेन ट्रांस इरेडियम सीएल सीओ पी पी एस थ्री ट्वाइस वेल नोन एज वस्कास कॉम्प्लेक्स देखो वस्कास कॉम्प्लेक्स आपको बहुत सुना होगा लेकिन उसका क्या स्ट्रक्चर होता है ट्रांस होता है ट्रांस में क्या होता है इरिडियम पर इरिडियम अपना मेटल लगेगा उस पर सी एल और पी रहेगा ठीक है सी एल सी उसको क्या बोलते हैं वस्कास कॉम्प्लेक्स दस ऑन एडिंग सी एल टू कोऑर्डिनेट डी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड टू आर सिक्स कोऑर्डिनेट डी सिक्स ठीक है एटीन इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट देखो कोई सा भी कैटलिस्ट होता है ना कैटलिस्ट तो मेनली सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन ही होता है ठीक है जैसे कोई सा भी रहेगा सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन होता है तो उस उसपे कोई सा तभी तो यहाँ पे होता है देखो यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे दो लिगेंड आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एटीन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस द ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ परम इंक्रीजेस फ्रॉम वन टू थ्री

या तो मतलब नेचर पर डिपेंड करता है हमारा कौन सा ग्रुप ऐड हो रहा है पोलर भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है. As well as या तो एस हो टू है या तो फ्री रेडिकल है आईनिक है वन कैन गेट आइदर सिस एडिशन प्रोडक्ट ऑफ सिस एंड ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट इन केस ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट मतलब वहां पे बोला है, या तो प्लस ट्रांस बनेगा या तो cis, uh, cis plus, या तो ट्रांस बनेगा तो ऐसा हो सकता है जैसे हमारा यहाँ देखो इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है ठीक है और ये हमारा वस्कॉस कॉम्प्लेक्स है अभी हमने देखा इरिडियम में सीओ है सीएल है और पीपीएस थ्री दो टाइम्स है तो और ट्रांस में ठीक है अब देखो यहाँ पे सीएल आ गया सीएल आने से क्या होगा यहाँ पे सीएल यहाँ पे सीएल हुआ ऑक्सीजन आने पर देखो ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड और यहाँ पे ऐसा बना रहा है ठीक है अगर हम लोग आयोडाइड लिया ठीक है थीके? तो हमारा मिथाइल आयोड कैसे एमई एक आई तो आपने देखा कैसा डिफरेंस हो रहा है अब देखो पे क्या होगा देखो एम ई यहाँ पे है और यहाँ पे सी एल ट्रांस में आ जाता है इसका ठीक है ऐसा भी आप देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है थ्री मेजर आ, थ्री मेजर थ्री मेजर क्लासेस ऑफ कंपाउंड अंडर गो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन पहला क्या है नॉन पोलर एंड लोर लो पोलरटी वाले जैसे एच एच हो गया एच एस आई आर थ्री हो गया आर एच हो गया हमारे नॉन पोलर होते हैं लो पोलरिटी वाले होते हैं और सेकंड क्या है पोलर कंपाउंड जैसे आर एक्स हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस में बहुत डिफरेंस है एच एक्स हो गया ए आर एक्स हो गया ये सब पोलर कंपाउंड है थर्ड क्या हमारा लिगेंड विद पाई सिस्टम पाई सिस्टम मतलब ओ टू एल्किन ये हमारे ठीक है

इट टू रीअरेंज टू ट्रांस कन्फिग्रेशन बट स्टोरिक रीजन की वजह से पी पी एस थ्री ये सब की वजह से हमारा ट्रांस कन्फिग्रेशन होता है इन दिस इन द सेम मैनर आयनिक एंड एस एन टू टाइप मैकेनिज्म ऑपरेटिंग ऑन अ पोलर मॉलिक्यूल लाइक एम ई आई विल फॉर्म अ काइनेटिकली कंट्रोल ट्रांसपोर्टर एक सिंपल सा नॉन पोलर रहेगा तो सिस और पोलर रहेगा तो हमारा क्या बनेगा ट्रांस ठीक है ट्रांस प्रोडक्ट विच मे बी कन्वर्ट टू द सिस प्रोडक्ट अंडर थर्मोडाइनमिक कंडीशन ठीक है वो कन्वर्ट हो जब भी थर्मोटाइम हम लोग कंडीशन लगाएंगे पे कंपाउंड लाइक ऑक्सीजन हो गया अलकाइन हो गया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले विल फॉर्म अ मेटला साइकिल साइकिल मतलब फॉर एक्साम्पल इन दिस इन द रिएक्शन विथ मोलिकुलर ऑक्सीजन देखो वहाँ पे बनाया था ना कॉम्प्लेक्स ऐसे ऑक्सीजन का बनाया था ठीक है उस टाइप का मेटला मोलिकुलर ऑक्सीजन इरेडियम वन इज ऑक्सीडाइज टू इरेडियम थ्री एंड थ्री मेम्बर सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म ठीक है थ्री रिंग बनता है और सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है C60 C70 complex, जो हमारा ये या, C70 हमारा है, हमारा ये देखो ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है थीके? आपको समझा होगा अच्छे से ठीक है अब यहाँ पे क्या पढ़ते हैं ट्रेंड्स इन ऑक्सीडेटिव एडिशन हैव बीन नोटिस्ड क्या ट्रेंड हुआ है पहला क्या ट्रेंड है द टेंडेंसी ऑफ द ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीजेस एज वन मूव फ्रॉम डाउन इन अ ग्रुप जैसे जैसे हम लोग मूव डाउन में डाउन जाते हैं उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है इंक्रीज होता है ठीक है इन अ ग्रुप इन द प्रियोडिक टेबल फॉर एग्जाम्पल इेडियम प्लस वन इज ईजियर टू ऑक्सीडाइज इन रोडियम प्लस ठीक है वही बोल रहा है द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेटिव मतलब मतलब क्या बोल रहा है तो रोडियम से अच्छा इरेडियम होता है विच इन टर्न इज इजियर टू ऑक्सीडाइज टू सीओ प्लस क्या बोल रहा है द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीजेज होता है एज वन मूवस डाउन इन अ ग्रुप इन द प्रोडक्ट टेबल ठीक है ये हो गया मतलब डाउन टू ऑक्सीडेटिव एडिशन अच्छा होता है Second, क्या लो इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर फेवर मतलब जो मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारा लो होना चाहिए ठीक है लो लो इनिशियल ऑक्सीडेशन लो मतलब क्या बोलना मालूम है कि इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी होगा इज मोर फेवरेबल फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन टू ऑफर फॉर एग्जाम्पल

मोस्ट रिएक्टिव वन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर सबस्टेट फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन द मेटल सेंटर है स्ट्रॉन्गे स्ट्रोंगेस्ट डोनर लिगेंड लिगेंड द पाई एसेप्टर हैड हैड एंड द हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज इस पे ठीक है यहाँ पे हो गया थर्ड पॉइंट क्या है द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ ए बी टू अटल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ डिपेंड करता है हमारा इनके बीच में स्ट्रेंथ क्या अगर ज्यादा रहेगा तो ऑक्सीडेशन उतना हार्ड होगा ठीक है वही डिपेंड करें इनके स्ट्रेंथ पे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ एन एल्केन इज मच लेस कॉमन देन ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉर एन एल्किलाइट एल्कोलाइड तुरंत हो जाता है और मतलब यहाँ पे बोला ऑक्सीडेटिव एडिशन एल्केन का बहुत ही कम होता है बहुत कॉमन लेस कॉमन है ठीक है बट एल्कोलाइट का ज्यादा होता है इन एल्के्केन

सेकेंड हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं लो ऑक्सीडेट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल जो होते हैं उनका क्या होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीज होगा ठीक है और इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड होंगे तो भी अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड जो होंगे उन उनसे भी ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीज होगा वही हमारा कंक्लूजन है ठीक है अब यहाँ पेटिव in डाउन तो ग्रुप इधर जा रहे हैं देखो जीरो, जीरो से प्लस वन, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये बोलना अब पॉइंट पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अंडर गो ऑक्सीडेटिव एडिशन हाँ ठीक है उनके पास वेकेंड साइट है नहीं तो कैसे देंगे भाई साहब वो तो उनके लिए पहले एटीन से उनको सिक्सटीन करो ना तब जाके उस पर कोई लिगेंट आके अटैच होगा पहले से उनका घर भरा है तो कौन आके रहेगा पे ठीक है पहले घर खाली करो तब दूसरा की रायदा आएगा वही बोल रहे और कॉम्प्लेक्स विध एटीन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन विदाउट द ऑफ मतलब बिना नॉटोड के बाहर कुछ बाहर लिए ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा ठीक है तो उनको खाली करो फिर जाओ जैसे आपका ये है ठीक है आई डाला तो आपका ये बना और सीओ आपका ये कर गया ठीक है अब यहाँ पे क्या है प्लीज नोट मैं क्या बोल रहा है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कैन नॉट ऑकर ऑन मेटल सेंटर दैट आर ऑलरेडी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने पढ़ा कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा प्रीफर होता है तो वही बोल रहा है मेटल पर अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीडेटिव एडिशन वहां पर नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल टेंटेलम वाला हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सिग्मा बॉन्ड मेथसिस रिएक्शन इज लाइकली अल्टरनेटिव ठीक है और क्या है कॉम्प्लेक्सेज भी डी टेन मेटल डू नॉट अंडर गो ऑक्सीडेटिव एडिशन डी टेन वाले मेटल भी ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं देते देर फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टार्टिंग एंड द फाइनल मेटल कॉम्प्लेक्सेज आर ऑलवेज काउंटेड टू टेक हमें इनिशियल और फाइनल दोनों में चेक करना है कि हाँ कुछ मतलब काउंट करना है इलेक्ट्रॉन को एंड आउट द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन को द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एंड द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ठीक है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन काउंट करना रहता है

ठीक है है फंशनलिटी फॉर एक्जाम्पल बोरोनिक एसिड मतलब सुजुकी कपलिंग हो गया अभी चैप्टर सिक्सटीन में पढ़ेंगे फॉर विच सुजुकी एंड हेक रिसीव द नोबल टेन रिएक्शन अभी फर्दर पढ़ेंगे द फर्स्ट स्टेप इन द मैकेजम ऑफ दिस क्रॉस कपलिंग रिएक्शन हैज बीन प्रपोज एज द ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ द एराइल हेलाइट ऑन पीडी जीरो मेटल सेंटर ठीक है सेवरल स्टडीज इंडिकेट दैट डिमांडिंग एबिलिटी टू स्टेबिलाईज लो कोऑर्डिनेशन पेडियम कॉम्प्लेक्सर्डिनेशन पैलेडियम का लो कोआर्डिनेशन होना चाहिए विच ओइंग टू देअर लो इलेक्ट्रॉन काउंट आर वेरी रिएक्टिव ठीक है इफ दिज लेगेंड आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज वेल देन दे जनरेट एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच मेटल कॉम्प्लेक्स विच कैन अंडर गो फास्ट फास्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ठीक है सच लिगेंड फॉर एग्जाम्पल टर्सरी ब्यूटाइल फॉस्फोरस है एस पी पी एच ओ एस एस एक्सन वे यूज बाई एफ यू बुचवॉल्ड एंड अदर टू कैरी आउट पेलेडियम कैटलाइज क्रॉस कपलिंग रिएक्शन ऑफ आर आइल क्लोराइड विच डज विच डज नॉट हैपन वेन ठीक है अ मोनोलिगेटेड स्टेडिकली हिंडर्ड एंड इलेक्ट्रॉन रिच फॉस्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ पेलेडियम

कार्बन है तो ये हाइड्रोजन अल्फा या बीटा कार्बन का जो भी था उसके साथ क्रोस तो मतलब साइक्लिक रिंग बनाता था ठीक है वही बोला क्लोज प्रोक्सिम सी एच बॉन्ड ऑफ लिगेंड टू द मेटल ये जो हाइड्रोजन था मेटल आइटम साइड्रोजन मेरिशी मैरिश ब्रुक हार्ट एंड बोला एगोस्टिक टू डिस्क्राइब सच वीक बॉन्डिंग उन्होंने गोस्टिक नाम दिया उस चीज को जो मेटल हाइड्रोजन के बीच में होता था और उसको क्या नाम और ये क्या है ना वीक बॉन्डिंग इंट्रेक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक सी एच बॉन्ड मतलब कोई भी एलिफेटिक का हाइड्रोजन बॉन्ड हो विद द मेटल सेंटर मेटल मेटल और हाइड्रोजन के बीच में और कौन सा हाइड्रोजन जो कार्बन या एलिफेटिक या एरोमेटिक का जो हाइड्रोजन होता है उसका हाइड्रोजन इसके साथ इंट्रेक्ट करे ठीक है वह यहाँ पे बोल रहे हैं ठीक है

ठीक है ये क्या होता है इंट्रा इंट्रामोलिकुलर मतलब आप एक ही एक ही कंपाउंड में ही ये पूरा काम होता रहेगा ठीक है जैसे मेटल है तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया ये हाइड्रोजन मतलब इंट्रा इंट्रामोलिकर ठीक है यही होता है इंट्रा इंट्रामोलिकर इंट्रक्शन होता है दिस इंट्रक्शन विच आर मोस्टली इंट्रा इंट्रामोलिकुलर कैन बी ऑफ एंड ऑफ द टाइप ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी हो सकता है अल्फा हाइड्रोजन लेगा तो अल्फा बीटा हाइड्रोजन लेगा तो बीटा ऐसे ही गामा डेल्टा एंड सोन डिपेंडिंग अपॉन द कनेक्टिविटी ऑफ द कार्बन एटम फ्रॉम सेंटर इंट्रेक्शन कौन सा सीएच कौन सा हाइड्रोजन मतलब बॉन्ड इंटरेक्ट कर रहा है मेटल के साथ एमॉन्टा एगोस्टिक इंट्रेक्शन बीटा एगोस्टिक इंट्रेक्शन आर द मोस्टली कॉमन ऑब्जर्व एंड स्ट्रक्चरली मतलब प्रूव हुआ है ठीक है मतलब अल्फा बीटा गामा में देखा जाए तो बीटा वाला ज्यादा ही ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा कॉमनली मतलब पाया जाता है ऑब्जर्व किया जाता है ठीक है और उसका स्ट्रक्चर भी प्रूव्ड हो चुका है

टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वेयर नेम्ड एन ऑगस्टिक जो भी हमारा जैसे एगोस्टिक और एन ऑगेस्टिक में आपको क्या डिफरेंस है आज आपको पता चलेगा एन ऑगोस्टिक में एगोस्टिक में तो देखो एगोस्टिक में क्या होगा यहाँ पे बोल रहा है थ्री hmm. सेंटर

एगोस्टिक इंटरेक्शन दिखा देखो एगोस्टिक मतलब ये आपका मेटल है ठीक है ये आपका ये हाइड्रोजन और ये मेटल देखो यहाँ पे नाइनटी डिग्री टू वन फोर्टी डिग्री है और इनका बॉन्ड डिस्टेंस मतलब जो है वन पॉइंट एट टू टू पॉइंट थ्री है और इनका जो एंगल है नाइनटी टू वन फोर्टी अगर 90, तो, वन वन जीरो सेवन सेवन उसको क्या बोलेंगे एनो ऑगोस्टिक इंटरेक्शन ठीक है यहाँ पे क्या बोला वन एच वन डेल्टा ऑफ एच अपफील्ड टू फ्री सी एच यहाँ पे वही बोला डाउनफील्ड होगा ठीक है जो हमारा डेल्टा एच डेल्टाउन टू तो फ्री सी एच इनका जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा वो भी ज्यादा होगा में बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा इसमें देखो बॉन्ड एंगल बॉन्ड डिस्टेंस कम है बॉन्ड एंगल भी कम है ठीक है वही बोल रहा है अनदर यूनिक फीचर ऑफ एगोस्टिक इंटरेक्शन हैज बिन आइडेंटिफाइड एज द रिडक्शन इन द जे वन जे सी एच कपलिंग जे सी एच कपलिंग ऑफ द इंटरेक्टिंग सी एच बॉन्ड फॉर अल्काइल ग्रुप हैविंग बीटा एगोस्टिक इंटरेक्शन रिडक्शन इन द एम एम सी सी अल्फा बीटा

Expected off-field 1 HMRI, 1 H NMR shift of alkyl hydrogen atoms involved in agostic interaction. Oh, hoga, theekha, are sometimes not experimentally observed due to fluxionality of the molecule. The following example illustrate agostic interaction. Theekha. The titanium ethyl complex has been has been tailored made to explore, uh, um, explore agostic interaction. एगोस्टिक इंट्रेक्शन डू प्ले अग्निफिकेंट रोल इन मेनी ऑफ ऑफ स्पेशली दोज ठीक है जैसे आपका बीटा एगोस्टिक इंट्रेक्शन बीटा एगोस्टिक इंट्रेक्शन का बोलना ही देखो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन ठीक है ये आपका मेटल है मेटल के बाजू में अल्फा कार्बन ये हो गया आपका बीटा कार्बन अब बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये वाला ये वाला क्या अगर मेटल के साथ बॉन्ड बना है तो इसको बोल देंगे बीटा एगोस्टिक इंट्रेक्शन ठीक है गामा क्यों बोल रहे देखो गामा कैसे बोल रहे हैं अल्फा यहाँ पे कैसे देखेंगे इसको अल्फा बीटा अल्फा बीटा गामा ठीक है गामा हाइड्रोजन ले रहा है यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं गामा एगोस्टिक ठीक है मेनी एग्जाम्पल ऑफ एनोगोस्टिक इंट्रेक्शन वे रिपोर्टेड

and to some extent by neutron diffraction data. It has been shown that CH and MH bond distance are 55 to 20 percent longer in this metal complexes than expected for for than expected for a isolated metal hydride and hydrocarbon. वही बता रहा है कि जो agostic interaction में क्या होता है metal hydrogen का जो bond होता है metal complexes मतलब क्या बोल रहा है CH और MH का जो bond distance ज़्यादा होता है 5 to 20 percent longer होता है ठीक है जो कि normal हम लोग देखते हैं

The anag anagostic interactions are mostly electrostatic interaction. Some other try to differentiate anagostic interaction from the standard C-H-M hydrogen bonds by defining the latter as typical three-centered four-electron bonds with more linearity. Th However, this differentiation is still sketchy for all the practical purposes. One may treat agostic and hydrogen bond interaction as similar. Okay. मतलब हम लोग मतलब क्या होता है फैक्ट दैट बोथ सो डाउन शिफ्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व इन द इंट्रैक्शन ठीक है अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड एंड साइक्लोमेटेसन हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे सी एच बॉन्ड में और साइक्लोमेटिलेशन में ऑक्सीडेटिव एडिशन पढ़ेंगे ठीक है

हैव एन इनोमरिज पोटेंशियल इन कैटेटिक कन्वर्जन ठीक है इनका बहुत ही अच्छा मतलब कैटलिक साइकिल में बहुत अच्छा यूज होता, होता है और यूज होता है ऑफ रेटिव रिएक्टिव नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड सचेज मिथेन बेंजीन हेक्सेन टू यूजफुल फंक्शनाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है दिस इंट्रैक्शन कैन हैपेन इंटरमोलिकुलरलीर इंट्रामोलिकुलरली एंड द लेटर इज मोर फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड

रिडक्टिव एलिमिनेशन ठीक है विद द लॉस ऑफ दाइड्राइड एज ए स्टेबल साइड प्रोडक्ट हमारा क्या होगा साइक्लोमेटेशन में हाइड्राइड निकल जाएगा विद ऑफ हाइड्राइड और करेगा, ठीक है? जैसे ये रिएक्शन है हमारा आई आर प्लस सेवन सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन है हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा अर्थोमेटलेशन होगा तो ये देखो पीपीएसटी आप यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट किया ठीक है

कॉम्प्लेक्स बाय द एक्टिवेशन ऑफ एन एरोमेटिक सी एच बॉन्ड ऑफ बायोफॉस्फिन ठीक है अब ये हमारा हो गया यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट वेल स्टडी एग्जांपल ऑफ साइक्लोमेटेटेड कंपाउंड आर पैलेडे साइकल्स पैलेडियम का होता है विच आर रेडली फॉर्म फ्रॉम ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस ठीक है Sulfur-containing ligand with palladium salt, especially palladium acetate, palladium cycles have proven application as catalyst in chiral and non-chiral organic synthesis. The following example shows the synthesis of one of the early examples of palladocycles resulting from an aliphatic C-H activation, which has excellent catalytic activity in the Heck olefination of the aryl halide. The possible steps involved are phosphine coordination and cyclometalation. फॉलोड बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड अलोंग विद टाइमराइजेशन ठीक है वही बोल रहे हैं यहाँ पे पी हमारा मेटल के साथ ये अटैच हुआ तो ये बना फिर पी डी सिक्स बना हमारा ये बना ठीक है अब हम पढ़ेंगे क्या आर्थोमेटलेशन ठीक है 8.1.4 है आर्थोमेटलेशन आर्थोमेटलेशन क्या होता है आर्थोमेटलेशन इज द मोस्ट कॉमन

प्रोसेस बाय एगोस्टिक अनएगोस्टिक इंट्रेक्शन बिटवीन द मेटल एंड द हाइड्रोजन एटम आर्थो टू द फॉस्फोरस बाउंड कार्बन जो हमारा फॉस्फोरस होता है उसके आर्थो होना चाहिए ठीक है वही बोल रहा है हमारा नाउ एट पॉइंट वन पॉइंट फाइव है ऑक्सीडेटिव एडिशन इनवॉल्विंग सीसी बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीडेटिव एडिशन कैसे होगा ठीक है दिस रिएक्शन आल्सो फॉर्म अ सी सी बॉन्ड मतलब सी सिंगल बॉन्ड सी एक्टिवेशन ठीक है ये रिएक्शन उसमें भी होता है इज रिलेटेड रेयर कम्पेयर टू ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑन सी ये रेयर uh, होता है बट होता है ठीक है इज ऑफेन इनकाउंटर्ड इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग स्ट्रेंड साइक्लिक कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल बाईफिनाइल बाईफिनाइल अंडर गोज ऑक्सीडेटिव एडिशन टू बॉन्ड विथ पी टी

Forming a metallocyclopentane ring system. This is also an oxidative addition ring re reaction, but in but in forming in forming a new bond between two ethylene molecules and losing the original double bond which we have coupled the two ligands together. देर इज ए स्पेशल टर्म फॉर दिस रिएशन कॉल्ड ऑक्सीडेटिव कपलिंग ठीक है देखो आपका यहाँ पे क्या हुआ ये, आ, ये क्रोमियम है बाजू में दो एल्किन ग्रुप है एल्किन ग्रुप जाके कपल होके हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा ठीक है इनको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेटिव कपलिंग मेटल इज बिंग ऑक्सीडाइज टू क्रिएट टू न्यू अनाइनिकिगेंट ठीक है द मेटल क्या होगा जो मेटल इज बिंग ऑक्सीडाइज टू क्रिएट टू अनाइनिक लिगेंट बट द ओरिजिनल टू न्यूट्रल लिगेंट ऑल्सो फॉर्म अन्न जो मतलब जो, जो the original two new neutral ligands also form a new bond between them instead of fragmenting to make two new independent anionic ligands the driving force for this reaction is the formation of new cc sigma bond and the creation of two new strongly donated donating anionic ligands that can donate better to the metal even though the one has technically lowered the electron count again वही बता रहे मेटल हमारा वहाँ पे हो गया ऑक्सीडाइज हो गया और उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव कपलिंग सच रिएक्शन आर फाउंड क्वाइट रियक्शन विथ अल्काइनस भी होता आ, मतलब उतना नहीं होता बट अलकाइन सा कभी कभी होता है दे आल्सो फॉर्म द मेजर स्टेप्स इन द साइक्लो ट्राइमेराइजेशन ऑफ यूजिंग निकल एंड कोबॉलिस्ट विथ मेटलासाइक्लोपेंटा डाइन एंड मेटल मेटलासाइक्लो हेप्टाट्राइन एज ए इंटरमीडिएट ठीक है अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन ठीक है हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन खत्म हो गया हम क्या पढ़ेंगे रिडक्टिव रिडक्टिव में क्या होगा रिडक्टिव इलिमिनेशन इज ऑलमोस्ट एक्जेक्टली रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन जैसे हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन पढ़ा उसका ही रिवर्स है रिडक्टिव इलेमनेशन एंड इट डिक्रेज बोथ द कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है एज वेल एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द जैसे हमारा ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव इलमिशन में हमारा क्या होगा रिडक्टिव इलिमिशन में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारा मेटल का डिक्रीज होता है ठीक है जस्ट रिवर्स है ऑक्सीडेटिव एडिशन का तो द की रिक्वायरमेंट फॉर रिडक्टिव एलिमिनेशन टू ऑक इज दैट इलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी एडजेसेंट सिस टू देंड अदर मतलब जो इलिमिटिंग ग्रुप रहेगा वो सिस होना चाहिए कोई भी ग्रुप से ठीक है सिस बहुत इंपॉर्टेंट ये सिस होना चाहिए कोई से ट्रांस ट्रांसफॉर्स नहीं होगा ठीक है अदर फैक्टर दैट एंड इजी रिडक्टिव एलिमिनेशन आर क्या बोला हाई फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए मेटल पर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होना चाहिए थर्ड प्रेजेंस ऑफ की ग्रुप बल्कि ग्रुप होना चाहिए और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिकली स्टेल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होना चाहिए ठीक है जैसे हमारा ये देखो ये हमारा प्लेटिनम वाला वैसे का वैसे गया, अब यहाँ पे देखो ये हमारा सी एस थ्री है और ये हमारा जो है सी एस थ्री है ठीक है ये ये दोनों एक सिस टाइम मतलब वहां पे ये हमारा रिमूव हो जाएंगे ठीक है सी एस थ्री सी एस थ्री निकल जाएंगे क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग प्लेन में ना तो ये दोनों कहीं पे भी हो सकते हैं ये सी एस इधर भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है तो दोनों निकल जाएंगे ठीक है बोला पे होना होना चाहिए और सिस होना चाहिए और दोनों ठीक है अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अदर ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू रिडक्टिव इलिमिनेशन आर क्या है फर्स्ट द रेट रिडक्टिव फॉलो दी एच का सबसे ज्यादा होगा फिर एच एस का होगा फिर सीसी का मतलब सी और एच रहा और फिर उसके बाद एच और एच रहा उसके बाद सी और

और थर्ड क्या है पाई एसेप्टिंग लेगेंट ऑन द मेटल पाई एसेप्टिंग बोला है पाई डोनेटिंग में पाई एसेप्टिंग पाई एक्सेप्टिंग सीरीज आपको पता है पीएमई थ्री पी एफ थ्री पी एफ ठीक है ओ एम ई थ्री एस एफ ये सब आपको पता है ठीक है ये सब लेगेंट जुड़े हैं तो पाई एक्सेप्टिंग होते हैं पाई एक्सेप्टिंग लेगेंट ऑन द मेटल जनरली एसिल रेट रिडक्टिव एलिमिनेशन ठीक है पाई एक्सेप्टिंग अगर लेगेंट जुड़े हैं तो रिडक्टिव एलिमिनेशन को प्रिफर करेंगे अब हम पढ़ेंगे मोनो न्यूक्लियर मोनो एट पॉइंट टू पॉइंट वन है मोनो न्यूक्लियर सिस्टम मोनो न्यूक्लियर सिस्टम मतलब क्या द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग टू इलिमिनेटिंग ग्रुप इन द सिस टाइप पोजिशन फॉर रिडक्टिव इलिमिनेशन टू ऑकर कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल ठीक है द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग टू इलिमिनेटिंग ग्रुप इन दिस डाई डिस पोजिशन फॉर रिडक्टिव इलिमिनेशन टू ऑकर कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा जो होना चाहिए किसमें होना चाहिए सिस में होना चाहिए तो पीडी हमारे यहाँ पे सीस में रहेगा तो ये एम ई ये ME, यहाँ पे नो रिएक्शन ये देखो यहाँ पे ट्रांस में है ट्रांस में तो नो रिएक्शन ठीक है अब इसको आगे यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन आर इंट्रा इंट्रामोलिकुलर जो रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होते हैं इंट्रामोलिकुलर होते हैं एंड दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंट्रा इंट्रामोलिकुलर वेयर नो क्रॉस प्रोडक्ट इज फॉर्म when the reaction is carried out with a mixture of deuterated and non-deuterated cyclohexane complexes okay? as oxidative addition and reductive elimination are microscopic reverse reactions for each other the position of the equilibrium depends on the thermodynamics of the process for example many metal complexes will oxidatively add on mei but only few will reductively eliminate mei similarly oxidative addition of rch2h is less common while reductive elimination of alkane from mhch2r is often observed these points are well illustrated from the thermochemical studies specific to iridium 1 complexes notably oxidative addition with ch3i and hh is feasible as per this analysis while it is thermodynamically unfavorable with ch3h and ch3cs3 दिस इज इंडेड सो बिकॉज ऑफ वनली सी एस थ्री आई एंड एच एच ऑक्सीडेटिव एडिशन इज नोन एज फर्स्ट क्लास कॉम्प्लेक्स ठीक है वही हमारा लिमिट का बता रहे हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे इरेडियम है इरेडियम है ठीक है यहाँ पे ए भी एड होगा तो ए भी कैसे होगा यहाँ पर ऐसा ऐड होगा ठीक है एक बार मैं फिर से इसको पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा कम समझा होगा वेट ठीक है मैं फिर से पढ़ लेता हूँ क्या बोलना चाहता है Mon, आ, इसको मैं रिपीट करता मोनो न्यूक्लियर सिस्टम द सिग्निफिकेंस आर बिंग टू इलिमिटिंग डिस्पोजिशन फॉर रिडक्टिव इलिमिनेशन टू अकर कैन बी इन्फ्लू फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल ठीक है ये हो गया हमारा रिडक्टिव इलिमेशन रिएक्शन आर इन रिडक्टिव इलिमिनेशन रिएक्शन आर इंट्रामोलिकुलर एंड दिस कैन ऑफन बी ऑन कैन भी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल ठीक है वेर नो क्रॉ प्रोडक्ट इज कैरिड आउट ये हो गया मिक्स ऑफ ड्यूटेड नॉन डिटेड एंड ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव इमिनेशन आर माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक रिवर्स रिएक्शन होते हैं हैं आपस में रिवर्स होते रहते रहतेर द पोजिशन ऑफ द एक्लम डिपेंड्स ऑन द थर्मोडायनेमिक ऑफ द प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल मेनी मेटल कॉम्प्लेक्सेज विडेटिव एड ऑन एम ई आई बट ओनली फ्यू रिडक्टिविक इलिमेंट्स एम ई आई ठीक है

का हो गया डिसोसिएशन एनर्जी विथ इम्प्लेक्स एच एच का रिवर्स इज टू फॉर रिडक्टिव एलिमिनेशन और अगर इलेक्ट्रॉन रिच मेटल नहीं रहा तो हो तो रिडक्टिव एलिनेशन होगा एज द लेटर इनवॉल्विंग अफ इलेक्ट्रॉन बैक ऑन टू द मेटल सेंटर From two anionic ligand, which are usually more electronegative than metal center, it is best if the metal center is electron deficient. This can be accomplished by having electron withdrawing group ligand like CO, cationic charges, and and or coordination unsaturation. 18 electron counts. The following example highlight the role of coordination unsaturation and, and the cationic nature of the complexes in the reductive elimination reaction. Generally, reductive elimination of two cisoidal reductive two cisoidal group from saturated eighteen electron complexes occurs without difficulties. However, it has been shown that rate of such reaction can be promoted by ligand dissociation which generates an unsaturated and more electron deficient metal center. Again, in the following reaction, the reductive elimination of methane from the cation formed by the iodide. डिसोशिएशन ऑफर्स मच मोर रिपिटली कम्पेयर टू द डायरेक्ट इलिमिनेशन फ्रॉम द इनिशियल इलेक्ट्रॉन ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है ये सी एस थ्री आई है तो आई माइनस पर निकल के यहाँ पे वैकेंसी बना दिया पहले एट्टीन था अब उसको मतलब सिक्सटीन किया अब यहाँ पे ऐड हो सकता है कोई भी तो मतलब और और यहाँ पे सी एस टू ये दोनों सीस वाले सीस वाले कौन से होंगे सीस वाले कौन से होंगे कोई सा भी ले लो इसमें से आपका यह, मतलब यहाँ पे इसने ये लिया ठीक है

following reaction and leads to different elimination product because prior ligand dissociation occurs in polar solvent and forms a coordinately unsaturated intermediate which then forms the final product again okay? हाँ पोलर सालवेंट पोलर सॉलवेंट का बता रहा है पोलर सॉल्वेंट अगर ऐड करेंगे तो कहाँ पे जाएगा ट्रांस में जाता है आपको पता ही है तो पहले तो इिलिमिनेट होगा इिलिमिनेट हो गया फिर उसके बाद यहाँ पे ये यह बनेगा ठीक है सी एस थ्री सी एस थ्री इलिमिनेट हो जाएगा दोनों ट्रांस यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट रहा तो हमारा क्या होगा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन रिडक्टिव रिडक्टिवनेशन पोलर सॉलवमेंट क्या हो रहा है और नॉन पोलर सॉल्वेंट देखो पोलर सॉलवेंट हमारा ओ ए निकल रहा है ओ ए निकल के यहाँ पे फिर ये मतलब उसके बाद फिर हमारा ये सी एस थ्री निकल रहा है ठीक है ये पोलर सॉल्वेंट का नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारा दोनों एक साथ निकल जा रहा है ठीक है निकलना तो हमारा देखो यहाँ पे एलकेन निकल रहा है एलकेन मतलब यहाँ पे ट्रांस वाला निकल रहा है पोलर में और नॉन पोलर में हमारा जो रहेगा ये वाला निकलेगा सी थ्री ओ वाला ठीक है अब हम क्या पढ़ेंगे देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल वेयर लिगेंड डिसोसिएशन इज एसेंशियली बिफोर एलिमिनेशन मतलब बहुत एग्जाम्पल है जहाँ पे डिसोसिएशन होगा उसके मतलब एसेंशियल होता है बिफोर एलिमिनेशन

एंड दिस हैज बीन कन्फर्म बाई कैनेटिक स्टडीज ठीक है हमारा एक लिगेंड माइनस हुआ उसके बाद फिर हमारा ये साइक्लोपेन यहाँ पे ये पूरा ये बन गया ठीक है Through coordinately unsatur unsaturation is a general feature of reductive elimination reaction. It may, all, it may so happen that other factor may dominate in sub, uh, some reaction. For example, some reductive elimination or reaction that form CH bonds are so facile that they do not require prior dissociation of any ligand. The elimination of methane from cis PTL2 H C S3 and the elimination of dihydrogen cis ME3P PTH2 occur without prior phosphine dissociation. Considerable effort has been devoted by theoreticians to understand the entire phenomena. It is generally agreed that the reductive elimination of cis ligand from four coordinate D8 square planar complexes is possible, but the reaction is, is in the corresponding three and five coordinate complexes is easier. Some unusual facile reductive eliminations, such as those forming C-H bonds, can occur in plan planar complexes without prior ligand dissociation. As mentioned above, similarly, all through reductive lension of cis ligand form an octahedral complex is possible. It is much easier after dissociation of a ligand leads to a five coordinate species. Tigger. Okay? putting it 8.2.2 that is binuclear system. Binuclear system complexes with two or more at two.

जैसे आपका ये कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे बी आर टू एड हुआ तो प्लस वन में चेंज हुआ ठीक है एम एन जीरो से एम एन प्लस एडिशन ऑन डाई न्यूक्लियर कॉम्पलेक्सेस इन विच टू मेटल सेंटर आर नॉट जॉइन बाई मेटल मेटल बॉन्ड ठीक है यही बोल रहा है डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को भी बोलते हैं जहाँ पे मेटल मेटल डायरेक्टली डायरेक्टली अटैच ना हो ठीक है अब यहाँ पे हमारा ये हो गया यहाँ पे ये क्या हुआ गोल्ड देखो ये मतलब ये दोनों साथ में जुड़े नहीं है ठीक है बाद में द फॉलोइंग रिएक्शन The following reactions can be considered as a reductive elimination occurring on the two metal centers which are not joined by a metal-metal bond. The, metal -metal the reductive elimination of two organic ligands from a pair of metal already joined by a bond is comparatively uncommon. It has been pointed out that the reaction is symmetry symmetric forbidden similar to the elimination of dihydrogen from ethane to form ethylene and alternative pathways may become dominant in such cases.

not already joined by a bond is much more common than elimination at least one of the ligand eliminated is usually hydrogen ठीक है आपका ये हो गया यहाँ पे आ, प्लस 3 से आपका प्लस 2 में जा रहा है एलिमिनेट हो गया ठीक है

जैसे आपका क्या हुआ यहाँ पे देखो आपका एक्स है और वाई है ठीक है आपको क्या हुआ एम एम वाई एक्स बना डी है ठीक है आपका क्या होगा एक लिगेंड इंसर्ट होगा लिगेंड कहाँ इंसर्ट होगा एक देखो मेटल पे इंसर्ट हो गया ठीक है ये बोलते हैं इंसर्सन रिएक्शन अब वाई आपका क्या रहेगा यहाँ पे वाई आपका क्या रहेगा सी ओ सी डबल वन ट्रिपल वन एक्स आपका क्या रहेगा एक्स आपका हैलाइड ये सब रहेगा ठीक है तो आपका यहाँ पे पीपीएस थ्री जैसे आपका पी थ्री है अब ये कहाँ पे एड होगा यहाँ पे देखो सी डबल वन हो ना यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा वही बोल रहे वाई के बीच में एम यहाँ पे देखो वाई के बीच में वहाँ पे एड हो गया ठीक है वही बोल रहा है सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा सीओ सी एस थ्री पहले जगह बनाएगा इसको जगह बना के सीओ सी एस थ्री यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वैकेंसी आएगा वैकेंसी के बाद पीपीएस यहाँ पे ऐड होगा ठीक है ये सी सी एस थ्री यहाँ पे आएगा पहली बात देता हूँ ये सी ओ सी एस थ्री यहाँ पे आएगा तो क्या बॉन्ड करेगा सी डबल बॉन्ड हो सी एस थ्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा वैकेंसी आ जाएगा वैकेंसी आएगा इसके बाद पी पी एस थ्री जो लिगेंड रहेगा यहाँ पे ऐड टैक कर लेगा ठीक है वही बात हो रहा है यहाँ पे अब यहाँ पे

और और कौन सा अब क्या When the migratory ligands, X is chiral. हमारा chiral है माइग्रेटरी लिगेंट्स एक्स इज काल है क्या होगा रिटेंशन होगा इस टाइम में रेसिमाइजेशन ऑकर्स इन्यू केसेस बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल मैके अब इसके बाद यहाँ पे इंसर्शन आ आर इंसर्शन जो होगा रिवर्सिबल होगा बट इन प्रैक्टिस ओनली वन डायरेक्शन इज ऑब्जर्व ठीक है केसेस वेयर एम एक्स बॉन्ड ऑन ऑन ठीक है इसके बाद द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एम एक्स एम वाई और एम वाई एक्स पे डिपेंड करता है किधर जाएगा ठीक है वेट और क्या है one electron oxidation of the starting complexes x and y often spend up the reaction as lewis uh, acid can often promote the rate of reaction okay? 8.3.1 lewis acid acceleration camera experiment by several scientists have clearly established the role of lewis acid in accelerating the alkyl carbon कार्बोनिल माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन मतलब लेविस एसिड डालने पर हमारा जो रेट होगा और बढ़ जाता है एल्किल कार्बोनिल का ठीक है बेसिक ऑक्सीजन ऑफ द एसाइल ग्रुप ठीक है इट इज इन विस गैस इन विस गैस क्या है लेविस एसिड लोवर्स एक्टिवेशन एनर्जी जो एसेलरेशन कब होगा बिकॉज लेविस क्या करता है डिक्रीज कर देता है

एंड द लेविस एसिड इनिशिएट्स द रिएक्शन बाई कोऑर्डिनेशन व कार्बोनिल ऑक्सीजन ठीक है वही बोल रहे हैं मे, एम ई एम एन ये है एल एक्स थ्री डाला तो हमारा ये लेविस एसिड से हमारा जो इंसर्शन होता है फास्ट हो जाता है रेट माइग्रेटरी इंसर्शन ठीक है ये बोलने का मतलब इसका नाउ एट पॉइंट थ्री पॉइंट रेडोक्स एसेलेशन रेडॉक्स एक्सिलेशन क्या होता है Rate acceleration as a result of oxida oxidation of the starting alkyl carbonyl complex in migratory insertion has been well studied. The forward rate constant of the equilibrium in the rate in the reaction increases by at least 10 the power 11 units with one electron oxidation of the metal from Fe to Fe plus 2 Fe plus 3. A stoichiometric amount of the oxidant converts the reactant to MECOA, which is of, then converted to product okay, bhai bol

ऑकर्स वेन द न्यूट्रलिगन मूव एंड गेट्स इंसर्टेड एंड बॉन्ड मतलब क्या बोल रहे है एक होता है माइग्रेटरी इंसर्शन ठीक है माइग्रेशन कब होगा जब माइग्रेशन का होगा जब एनैनिक लिगेड मूव होगा एंड परफॉर्म न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक जैसा होगा और अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक न्यूट्रल न्यूट्रलिगेंड में अब इंसर्शन कब होगा इंसर्शन ऑकर्स वन द न्यूट्रल न्यूट्रलिगन मूव्स एंड गेट जब न्यूट्रल न्यूट्रलिगन हट जाएगा वहाँ से मूव हो जाए एंड गेट इंसर्टेड द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द एनिक लिगन बोथ ऑफ दिस पाथवेजेड इन सिम एट पॉइंट थ्री ठीक है Most uh, most systems studied have been shown to undergo migration uh, mi to undergo mi migration and not insertion. The reaction of label uh, CO13, CO CO, C S3 Mn CO5, is cis Y M C S3 C Mn and CO O C O13 CO5 as a sole product. This indicates the that CO molecule that takes part in migratory insertion is not derived from the external gaseous CO13. बट फ्रॉम द सी ओ दैट वॉज ऑलरेडी कोऑर्डिनेटेड टू एम एन मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि इसी में हम लोग अगर सी ओ थर्टीन है ये सी ओ फाइव है तो सी ओ थर्टीन एक हमने आइसोटोप लगा दिया ठीक है तो जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है सीस प्रोडक्ट बन रहा है ये सी ओ थर्टीन इसी का ही है कोई बाहर से हमने गैसेस मतलब सी ओ थर्टीन नहीं डाला है यही हमारा इंसर्ट हो गया वहीं रहा है मतलब एक आप एरेंजमेंट टाइप का बोल सकते हो उसको फ्रॉम सीओ थर्टीन बट फ्रॉम ये हो गया दैट बट फ्रॉम द सी ओ देट वॉज ऑलरेडी कॉर्डिनेट टू एम एन It was also seen that CO13 was present in the transposition. CO thirteen transposition present of the C S3CO group, which indicates that CO ligand in the product do not scramble to give a stat statistical distribution. Additional mechanistic evidence for migra migration versus insertion was obtained by studying the reverse reaction that is decarbon decarbonation of cis C S3CO mnco CO as the mechanism of the opposing reaction must be reversed of each other according to the principle of microscopic reversibility the reverse of co insertion favors the formation of the product co here the co of the acetyl group has the choice of forces position into which it may shift by displacing the co that is already present one of these sites is occupied by co 13 that thus it is thus it is देखो आपका यहाँ पे देखो ये आपका एक सी ओ मतलब हट गया सी ओ हट के यहाँ पे ये यह बन गया ठीक है फिर पच्चीस पच्चीस परसेंट ऐसा है ऐसे आपका माइग्रेशन हो रहा है सीओ सी एस थ्री पहले बनेगा फिर वैकेंसी आके दूसरा वहाँ पे ये हो जाएगा ठीक है यहाँ पे देखो एटीन सिक्सटीन बन गया ऐसे यहाँ पे देखो सी ओ सी एस थ्री आपका यहाँ पे इंसर्शन हो गया ठीक है यहाँ पे देखो माइग्रेशन हुआ सीओ सी एस थ्री का माइग्रेट हो गया यहाँ पे बना मतलब जब आपका ये सी एस थ्री वाला ध्यान से देखो माइग्रेशन और इंसर्शन में क्या डिफरेंस है माइग्रेशन जब आपका न्यूट्रल लिगेंड देखो आपका ये है ये आपका कहाँ जा रहा है यहाँ पे जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे माइग्रेशन माइग्रेट होना ठीक है जब आपका ये सीओ यहाँ पे इसको अटैक कर रहा है जस्ट उल्टा तो इसको क्या बोलेंगे इंसर्शन ठीक है इंसर्ट होना इंसर्ट मतलब ये जो सीओ आके इंसर्ट हो गया इसके अंदर ठीक है इसको सीओ यहाँ पे इंसर्शन जब आपका सीएस थ्री खुद जाके उसके पास जाएगा मतलब न्यूक्लियोफाइल एज उस पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल फाइल पे तो उसको क्या बोलेंगे माइग्रेशन समझा आपको ये हो गया yeah. ठीक है अब क्या है एक्सपेक्टेड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द प्रोडक्ट वुड हैव

as it migrates, the methyl group can displace the co13 to give a product containing no co13 25%. it may displace either of the two co ligand adjacent to the tagged co to give the product with cs3 cis to co13. or it may displace the co trans to co13 to give the trans product. thus, when the term co insertion is used, it often means alkyl migration. Okay.

फुल लुक मतलब द चाइल्ड ऑन टू द मदर लैब्स एंड यू ऑक्यूपाई दीटेड बाय द बाय द चाइल्ड अब क्या होगा उसमें जैसे आप इंटर करोगे आपको सीट चाहिए होता तो, तो बच्चा जो रहेगा वो बच्चा है गोद में चला जाएगा वहां पे सीट खाली जाएगा आप वहां जाके बैठ सकते हो दिस इज कल माइग्रेशन ठीक है उसको ही माइग्रेशन कहेंगे नोट दैट मदर विल नॉट अलाउ यू टू टेक द चाइल्ड ऑन योर लैप एंड सिट नेक्स्ट टू हर एंड ऑल्सो सीट अवेलेबल इज द वन दॉज वैकेटेड बाय द चिल्ड्रेन ठीक है आपको यहाँ पे ऐसा रहेगा कि मदर मदर अलाउ नहीं करेगी मदर विल नॉट अलाउ यू टेक द चाइल्ड ऑन योर लाइफ आप बच्चे को अपने उस पे आ, मतलब उस पे ले लो वो और नेक्स्ट टू हर और आपके बाजू में वो ऐसा ठीक है इट इज़ वन विच वॉज वैकेटेड मतलब इसमें क्या हो बच्चा ने सीट खाली किया तब जाके आप उसपे अटैक मतलब उस पर आपके अपने उस पर आपने ज्वाइन किया ठीक है सीट पे आप बैठ गए इसका मतलब इसको बोलते हैं माइग्रेशन इफ द चाइल्ड इज एन एडमिट वन एंड रिफ्यूजेज टू वैकेट द सीट अगर चाइल्ड मतलब थोड़ा ये रहा उसने रिफ्यूज कर दिया सीट को खाली करने से द मदर विल बी एकोमोडेटिंग एंड रिमूव एंड मूव ओवर द चाइल्ड सीट टेकिंग द चाइल्ड इन हर लेफ अब उन क्या करेगा अब क्या अगर बच्चे ने मना कर दिया तो मदर क्या कर बच्चे को उठा के उस उस सीट पे मदर बैठ जाएंगे ठीक है लेफ क्रिएटिंग अ वैकेंट सीट विच यू ऑक्यूपाई दिस इज कॉल्ड इंसरसन और इसको क्या बोलते हैं इन्सर्सन बोलते हैं इन इंडियन बस द माइग्रेटरी रिएक्शन वॉट ऑकर्स मोस्ट ऑफ इज माइग्रेशन

to indicate that either directional pathway is fine the driving force for carbon insertion lies in the thermodynamic a and MC bond is broken and a CC bond is formed in addition a bond is formed between the metal and the incoming L the major driving force for this reaction seems to be first the lesser amount of energy required to break MC bond second the greater amount of energy released when CC bond and MCO and PR3 bonds are formed okay? or third these reactions are enthalpy driven and Although the reaction is entropy prohibited, CO is captured and 2 moles of reactant gives 1 mole of product. The large enthalpy term is dominant. The enthalpy change for the formation of CS3CO MnCO5 has been calculated as minus 54 plus minus 8 kilojoule per mole. All insertions are not thermodynamically favored and a reaction of MnCO5H with CO does not proceed to give MnCO5COH enthalpy change. Itna, आपका ये बता रहा है कि माइग्रेशन क्या होगा इंसर्शन In का होगा माइग्रेशन मतलब क्या होगा आपका पहले ये जो बच्चा जाएगा वो पहले ए पी ए पी एस टी यहाँ पे तो नहीं आएगा ई e टी रहेगा ई e टी वाला क्या करेगा यहाँ पे जाके यहाँ पे आ जाएगा ठीक है तो आपका क्या होगा माइग्रेशन होगा माइग्रेशन होने के बाद फिर वैकेंसी आ जाएगा आपका सी ओ वहाँ पे अटैक कर लेगा और इंसर्शन कब होगा जब आपका सी ओ वाला यहाँ पे अटैक करे जब सी ओ वाला अटैक करे तो इंसर्ट चला जाएगा इंसर्ट चलाएगा फिर वहाँ पे वैकेंसी आ जाएगा ठीक है वही बोल रहे हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन डिसाइडिंग डिसाइडिंग

this type uh, the type of intra, uh, insertion observed in any given case depends on the nature of the two electron inserting ligand for example co gives only one one insertion that is m and x end again okay? bound to the carbon of the co while ethyl ethylene gives one two insertion ethylene one two insertion in which m and x end up on adjacent atom in general eta one ligands रेयर एग्जाम्पल ऑफ लिगेंट्स फर्दर मतलब दोनों हो सकता है वन वन एंड वन टू इंसर्सन ठीक है जैसे आपका एल्कि हो गया एलकिन हो गया तो वन वन इंसर्सन होगा और आपका ये हो गया ये वाला हो गया तो आपका वन टू इंसर्सन होगा वन टू बोले तो वन यहाँ पे देखो मेटल है ए और बी यहाँ पे वन हो गया यहाँ पे टू यहाँ पे ऐसा ठीक है अब हम क्या पढ़ेंगे

मतलब के में एल्किल क्लॉर्बोन माइग्रेट अच्छा खासा होता है एंड वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन बट सच रिएक्शन ओलिफिन इंसर्शन में नहीं होता द ओलिफिन इज एन ऑब्लिगेटरी इन मेनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लाइक ऑलिफिन हाइड्रोजिनेशन है अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्राइट इज गिवन बिलो कुछ ऐसे ही हमारे जनरल में दिखा दिया है ठीक है एक मिनट ये देखो आपका ये ये एमएच बॉन्ड है ठीक है है आपका बॉन्ड यहां पे अपना एल्किन इंसर्ट हो रहा है इंसर्ट हो रहा है तो देखो ऐसा बना फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसा बन गया ठीक है इट इज इंपोर्टेंट टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड ठीक है पहला क्या है पहला क्या इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट पहला क्या है हाइड्राइड इज ट्रांसफर टू द बीटा कार्बन ऑफ द एल्किन

सी ओ इंसरसन ऑर्स इन एमर बॉन्ड सी ओ इंसर्सन क्या होगा एम आर बॉन्ड में इंसर्ट होगा बट नॉट इन एम एच बॉन्ड ठीक है एल्कि इंसरसन ऑन द अदर हैंड इज वेरी फसाइल एम एच मतलब सी ओ इंसर्सन क्या होगा एम आर बॉन्ड में होगा बट एम एच बॉन्ड में सी ओ इंसर्सन नहीं होगा एल्कि इंसरसन क्या होगा ऑन द अदर हैंड इज इज वेरी फसाइल फॉर एम एच बॉन्ड बट इट इज नॉट कॉमन इन एम आर बॉन्ड ठीक है एल्कि इंसरसन हमारा एम एच बॉन्ड में होगा सी ओ इंसर्सन हमारा एम आर बॉन्ड में होगा कसिडरिंग द सी एच एंड सी सी बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड द ओरऑल थर्मोडाइनमिक of the reaction it it seems that alkyl olefin migratory insertion may have large thermodynamic driving force again. Okay. इंसर्सन दैरियर टू ओलिफिनियरिफिन होता है एमएच बॉन्ड में ही हो जाता है मतलब एमएच बॉन्ड रहेगा उसमें एल्किन इंसर्सन होगा एल्कि मतलब ओलिफिन वाला ठीक है एल्किल्किंग होगा ठीक है ओलिफिन बॉन्ड का ये होगा ये होगा एक बॉन्ड में वही बोल रहा है एमएच बॉन्ड रहेगा तो आपका एल्किन इंसर्शन होगा ना एल्किन इंसर्शन मतलब ए एल के ई एन एल्किन में इंसर्शन होगा और जब एम आर बॉन्ड रहेगा तो आपको क्या किसका इंसर्शन होगा सी ओ का इंसर्शन होगा ये बोलना चाहता हूँ अब यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ तो बनेंगे बनेंगे ठीक है एल्किन एंड ओलिफिन इज टू इच अदर फॉर एक्जाम्पल दाइड्राइट कॉम्पलेक्स अंडर गो रेपिट्रामोलिकल ओलिफिन इंसर्सन वेर इज इट इट्स मिथाइल इज स्टेबल एंड डज नॉट अंडर गो इंसरसन ठीक है ये हो गया हमारा नाउ

the position of the equilibrium is decided by the overall thermodynamics of the particular system and it depends strongly on the nature of the alkene for simple alkene the equilibrium light lies towards the left okay but for alkene with electron withdrawing group like c2f4 the alkyl group is particularly stable and equilibrium has entirely to the left okay now 8.3.5 a beta hydrogen elimination versus रिडक्टिव रिडक्टिव मतलब बीटा हाइड्रोजन बीटाइडन पढ़ेंगे इन सब मेटल एक्जिस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन और रिडक्टिविनेशन दोनों पॉसिबिलिटी रहता है अपॉन थर्मल डिग्रेडेशन इट इज ऑब्जर्व दैट स्टेबल ऑर्गे कॉम्प्लेक्स कैन बी मेड अंडरगो रिडक्टिव जब रिडक्टिविनेशन होगा तो हमारा अपॉन इलेक्ट्रिक अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफलो एग्जाम्पल बीटाइन इजर रियक्शन ऑफ डिम्पोशन फॉर टू कॉम्प्लेक्से इन द हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेम जब हायर ऑक्सीडेशन रहेगा तो रिडक्टिव फेवर दमेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्यूटे ड्यूरिंग द थर्मल डिग्रेशन ऑफ डाई क्स भी एक्सप्लेन ऑफ माइग्रेटरी इंसर्सन एंड बीटाइड्रोजन एलिनेशन बॉन्ड टू द एंड ऑफ एल्ल चेनिकाराई दीरीज ऑफ माइग्रेटरी इंसर्सन फॉलोड बाई बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेशन। ठीक है ये आपका रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब ये हो गया बीटा एलिमिनेशन का ये हो गया ठीक है ऐसे यहाँ पे तो इस तरह से ये देखो आपका

तो प्लीज़ गाइज अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बुक केमिस्ट्री क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी ठीक है और चैनल को अगर आपको शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए अगर किसी को जरूरत है तो और लाइक कर लीजिए थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोग ऐसे पढ़ा पढ़ाई करते रहिए और अपने हेल्थ पे ध्यान देते रहिए थैंक यू सो मच